सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में आज नामांकन का कार्य प्रातः 10 बजे से 3 बजे तक चलेगा। इस हेतु सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। हमारे 168 एसोसिएट प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स को इस कार्य में लगाया गया है। 22 हमारे साथीगण चुनाव नियंत्रण कक्ष में कार्य कर रहे हैं, जो कि दिनांक 28 तक संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया को पूरी करवाएंगे। इसके अतिरिक्त आज 78 हमारे साथीगण लिंग दो समिति की अवहेलना नहीं हो, उसकी पूर्ण पालना हो, अनुशासन के लिए पूरे महाविद्यालय कैंपस में लगाए गए हैं। और जैसा आप देख सकते हैं, ये विभिन्न टीम अलग अलग जगह अलग अलग स्थानों पर कार्यरत है, और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव पद के लिए लाल बहादुर शास्त्री भवन, जो ठीक इस बाबा साहब अम्बेडकर द्वार से है, यहाँ से कैंडिडेट को एंट्री देंगे। कैंडिडेट स्वयं, उसका एक प्रस्तावक और एक समर्थक केवल पूर्ण जांच के बाद यहाँ से लाल बहादुर शास्त्री भवन जाएगा, वहाँ उनके लिए व्यवस्था की गई है। और कुल 28 हमारे साथीगण इन चारों पदाधिकारियों के चुनाव के लिए लगाए गए हैं। सीआर पद हेतु हमारा जो दूसरा द्वार है, महाराजा सूरजमल द्वार, वहाँ से सीआर के कैंडिडेट, उसके प्रस्तावक और समर्थक को एंट्री दी जाएगी। और ये सभी जो कार्य करेंगे, नामांकन कार्य बस सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन में करेंगे, और इसके लिए हमारे शेष साथियों को लगा दिया गया है। पुलिस के लिए पर्याप्त व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग है, और कल छात्रों की एक मीटिंग हमने की थी, उन्हें पूरी चुनाव प्रक्रिया से अवगत कराया था, उनकी शंकाओं का समाधान किया गया था, और उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उनका हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी और अन्य साथियों द्वारा और मेरे द्वारा जवाब दिए गए। ये छात्र संघ 2019 के आज नामांकन की तारीख है, और लिंग दो समिति के जो नियम बनाए हुए हैं उसके अनुसार आज पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे जिला पुलिस अधीक्षक महोदय कुंवर राजदीप सिंह और एडिशनल एसपी सरिता सिंह मैम और सहायक पुलिस अधीक्षक महोदय हर्ष अग्रवाल वर्ताधिकारी वर्त दक्षिण द्वारा ये विशेष चुनावों के लिए सतर्कता बरती गई है और पुलिस जाब्ता का बंदोबस्त लगाया गया है। यहाँ हमारे अलूर गेट और आदर्श नगर थाने का भी जाब्ता लगाया गया है, क्लाक टावर थाने का जाब्ता लगाया गया है, और इस बार निष्पक्ष और न्याय हित में चुनाव करवाए जाएंगे और बिल्कुल किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं होगी। और इस प्रकार आपने पिछली वर्ष की भांति इस बार देखा होगा, जो भी चुनाव हो रहे हैं निष्पक्ष कराने की बिल्कुल पूर्णतया हमने जिम्मेदारी ली है और हम इस पर खरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं, और जीसीए का जो प्रशासन है, प्राचार्य महोदय, वो हमारे साथ है, हमारा सहयोग कर रहे हैं। मेरा नाम बलदेव एएसआई है।